नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है कसम संविधान की में चुनाव पर चर्चा का। परसों शाम को काशी मथुरा पर ही डिबेट थी, जो मैंने उस प्रसंग से शुरू की जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन वो भी देने को तैयार नहीं थे। आज उसी प्रसंग का जिक्र यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी विधानसभा में कर दिया। आज यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन बातों बातों में और इशारों इशारों में मथुरा और काशी के मुद्दे पर बोलने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने अभी के राजनीतिक परिदृश्य की तुलना महाभारत से कर दी। सीएम योगी ने कहा, दुर्योधन से पांडवों ने केवल 5 गांव मांगे थे, दुर्योधन वो भी नहीं दे पाए। योगी ने कहा, हमने तो केवल 3 जगह ही मांगी है। सीएम योगी अयोध्या, काशी में ज्ञानवापी और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि की बात करते रहे। योगी ने कहा कि अयोध्या, काशी और मथुरा हिंदुओं के लिए खास महत्व वाली जगह हैं। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो और बहुसंख्यक समुदाय गिड़गिड़ाए, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। उन्होंने कहा, जो काम हो रहा है वो आजाद भारत के बाद 1947 में हो जाना चाहिए था। योगी ने कहा, हमने तो केवल 3 जगह मांगी है, दूसरी जगहों के बारे में कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्होंने फिर कहा, अयोध्या के उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने कहा कि भाई हम काहे इंतजार करें, इंतजार किए बगैर रात में बैरिकेड तुड़वा डाले, अब हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। ज्ञानवापी का मामला अदालतों में अपने पीक पर है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह का मामला भी अदालत में पीछे पीछे है। ऐसे में बीजेपी की टॉप लीडरशिप में योगी पहले नेता है जो दोनों मामलों पर खुलकर बोले हैं। इसके आगे उन्होंने ये भी कहा कि पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे, हम तो 3 ही धाम मांग रहे हैं। बहस ये भी हो सकती है कि क्या इस बयान को कैसे देखा जाए। अयोध्या तो मिल चुका है, तो इसे बाकी 2 धाम यानी काशी मथुरा पर योगी की विनती समझा जाए, या फिर महाभारत का उदाहरण दिए जाने को एक तरह से अल्टीमेटम माना जाए। बहस से पहले रश्मि रथी की एक और पंक्ति है और वो है, सौभाग्य न सब दिन हो सोता है, देखे आगे क्या होता है। बार बार गुहार लगाता रहा, हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। जो समाजवाद है वही राम राज्य है, और अगर आप राम राज्य तक पहुंचना चाहते हैं तो बिना समाजवाद के वो संभव नहीं है। अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। किसी जगह के साथ कभी अन्याय नहीं होता है, अगर वो आज ये बता रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा ये है। 2024 में वो जानते हैं कि वोट की राजनीति करनी है। भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। राजा अजमेरी के आस्थाने पर चादर बिछाइए, मगर आप जो चादर मुझसे छीनना चाह रहे हैं, मेरी मस्जिद है, आप हर मस्जिद को छीनना चाहते हैं। मस्जिद में जब राजनीतिक उसमें तड़का पड़ने लगता है और वोट बैंक बनाने की राजनीति होने लगती है, तो वहीं से फिर विवाद की स्थिति खड़ी होने लगती है। आप बताइए, 17 करोड़ मुसलमानों को क्या पैगाम दे रहे हैं आप, कि आप हर मस्जिद को छीन लेंगे मुझसे, फिर मेरा वजूद किस माने रखता है। हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और मेरे साथ दानिश कुरैशी है, नेता है AIMIM के। राकेश त्रिपाठी जी, 90-90 सेकंड का दानिश भाई टाइमर होगा, दोनों अपने अपने समय सीमा में अपनी बात कहें। हम छोटी डिबेट करते हैं, लेकिन 1-on-1 डिबेट करते हैं ताकि जनता इसे समझ पाए। सबसे पहले और सबसे सीधा सवाल राकेश त्रिपाठी जी, आज तक बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि मथुरा और काशी उसके एजेंडे पर है, क्या योगी आदित्यनाथ जी मथुरा और काशी को अपने एजेंडे पर ले आए हैं? बीजेपी के एजेंडे में आ गया है मथुरा और काशी? देखिए दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से स्पष्ट मत रहा है कि ये स्थान सांस्कृतिक विरासत के, हमारी आध्यात्मिक चेतना के केंद्र रहे हैं। दुनिया में भारत इकलौता देश है जहां पर बहुसंख्यक आबादी किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं करती है, अल्पसंख्यकों के हितों के साथ किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं करती है।
भारत के लोकतंत्र में भारत के संविधान ने पूर्णतः सबको अधिकार दिए हैं, लेकिन ये अधिकार उसी लोकतंत्र से उसी संविधान से बहुसंख्यक आबादी को भी मिला है कि वो न्यायपालिका में जाकर के अपने अधिकारों की याचना कर सके, गुहार लगा सके, अपना एप्लीकेशन दे सके, साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, अपने दलील प्रस्तुत कर सके, और इन सबके आधार पर जो निर्णय होगा उस निर्णय को सबको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, दानिश कुरैशी जी आपका जवाब। देखिए मुझे लगता है कि इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आज जो विधानसभा पटल पे जो बात रखी है, जैसे मामला लामबंद है अदालत में, और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो जिम्मेदारी है वो तमाम हिंदुओं को लेकर भी होनी चाहिए थी, मुसलमानों को लेकर भी होनी चाहिए, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि योगी जी खुद इसमें पक्षकार बने हुए हैं। बदनसीबी है ये इस बात की कि वो प्रदेश के मुखिया हैं और जो उनका जिम्मे है, देखिए कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, अदालत का जो भी फैसला आएगा वो सबके सामने होगा, हो सकता है उससे वो खुश हो जाए, लेकिन आज जिस तरीके की उन्होंने बात की है, अब से पहले भी वो कई बार कह चुके हैं, दीपक भाई मैंने आपसे भी कई बार, दो बार चार बार इस बात की कही है कि जब जब कोर्ट में मामला अदालत में पेशी के लिए होता है उसके पहले इस तरीके का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये एक दिखाता है कि संवैधानिक शपथ जो ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने, कहीं ना कहीं वो उसका वायलेशन कर रहे हैं। जो जिम्मा तमाम लोगों का, तमाम नागरिकों की, मैं बार 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 बात करता हूं उसमें, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, लेकिन एक वर्ग की या स्पेशल अपने एजेंडे के लिए जब वो बात करते हैं तो ये लगता है कि समाज के साथ में अन्याय है, समाज के साथ में न्याय। सीधे राकेश त्रिपाठी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब जब कोर्ट के अंदर मामला होता है तब तक मुख्यमंत्री जी का एक बयान आ जाता है जो कोर्ट पर दबाव डालता है, क्या दबाव डालने की नीयत से बयान दिया जा रहा है? नहीं, भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारत की न्यायपालिका भारत के संविधान से चलती है और न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं चलता है। न्यायपालिका पर जोर दबाव बनाने का प्रयास तो 1984 में हमने देखा है जब साहबानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का काम भारत की संसद ने किया था। आज देश की न्यायपालिका स्वतंत्र है, देश की न्यायपालिका में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तब हो सकता था न आज हो सकता है, और देश की न्यायपालिका साक्ष्यों की बुनियाद पर अपने फैसला करती है, वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर फैसला करती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के आधार पर फैसला करती है, दिए गए कानून के नियमों, उपनियमों और परिनियमों के आधार पर फैसला करती है। सबको सुनवाई का पर्याप्त अवसर है, कोई हरी भरी में लिया गया निर्णय नहीं है, और निर्णय के बाद चाहे कोर्ट बिलो का निर्णय हो उसके बाद हाईकोर्ट में अपील की अथॉरिटी होती है, हाईकोर्ट के निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की आजादी होती है, अब फैसले से संतुष्ट न हो तो फिर अपील करने की आजादी होती है। इतने मल्टी लेयर जुडिशियल सिस्टम के बाद भी अगर कोई ये कहे कि कोर्ट दबाव में है तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट की अवमानना करने का प्रयास कर रहे हैं, वो देश की न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखते हैं। अगर आप साक्ष्य को कोई जांच नहीं होनी चाहिए, आपका बिलीफ, आपका विश्वास अगर है तो निश्चित तौर पर हर प्रकार की जांच, हर प्रकार की इंक्वायरी, हर प्रकार की इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। आज ज्ञानवापी को लेकर के या मथुरा को लेकर के आज लिटिगेशन फाइल हुए हैं, कोर्ट के भीतर दलील रखी जा रही है, अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, राज्य सरकार को जो जिम्मेदारी कोर्ट के द्वारा तय की जाएगी राज्य सरकार उस जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, लेकिन इस सत्य को दानिश कुरैशी जी भी जानते हैं लेकिन जिद पूर्वक मानने को तैयार नहीं है। यह ऐतिहासिक दस्तावेजी साक्ष्य है, इस संदर्भ में चाहे ब्रिटिश गजेटियर्स में लिखा हो या तमाम विदेशी जो इतिहासकार हैं जो भारत में यात्राओं पर आए हैं, उन सबके दस्तावेजों में इस बात का उल्लेख है कि कैसे ज्ञानवापी में मस्जिद बनाई गई मंदिर तोड़ करके, कैसे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा गया, वहां की मूर्तियों को सीढ़ियों के नीचे दफन किया गया, जो साक्ष्य है वो चीख चीख करके कह रहे हैं, बावजूद उसके आप मानने को तैयार नहीं है। अयोध्या का फैसला जब आया तब भी बार बार दकियानूसी विचारों के तहत कट्टरपंथी तत्वों ने कहा कि यह फैसला आस्था की बुनियाद पर है, जबकि पूरा फैसला साक्ष्यों के आधार पर और वर्षों की लड़ाई के बाद है, दशकों तक लड़ाई लड़ी गई है, सारे दलील रखी गई है, वकील बड़े बड़े वकील खड़े किए गए। भाई सुप्रीम कोर्ट में मैंने देखा कि कैसे कपिल सिब्बल कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य रहे, देश के विधि मंत्री रहे, और वो खड़े हुए हैं बहस के लिए, बड़े बड़े वकील आपके साथ खड़े हुए, फिर भी आप कहते हैं कि अन्याय हुआ, आप न्याय को मानने को तैयार नहीं। राकेश जी समय सीमा का ध्यान रखिए, 90-90 सेकंड दोनों के लिए। दानिश कुरैशी जी मेरा सीधा सवाल, सांच को आज नहीं डर क्यों रहे हैं भाई? जब आपने मस्जिद तोड़ के, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई नहीं तो कोर्ट में साबित हो जाएगा, जबकि आपको भी पता है कि मंदिर तोड़ के मस्जिदें तो बनाई गई हैं, औरंगजेब ने बनाई है, वो दोनों जगह जहां कहीं हम चर्चा कर रहे हैं।
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि इन्फ्लुएंस किसको कहते हैं, जब मुख्यमंत्री का ना मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हाँ या ना, ना ना मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हाँ या ना, दलित गुरुजी जी पहले बताइए पूरी बात नहीं है, मैं ना पूरी बात नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत, नहीं आपको नहीं नहीं जो मुझे जवाब देना है वो जवाब आप ना सिर्फ इतना बताइए मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हाँ या ना, फॉलोअर थे उनको भी सत्य उनको भी सच्चाई का ना ना एक मिनट इतना जवाब दे दीजिए फिर जो बोलना बोलिएगा, सुप्रीम कोर्ट में मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हाँ या ना, वो झूठ वो गलत बात है, नहीं कुछ नहीं तोड़ा गया, झूठ बात है ये, सुनिए आप मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी वो गलत है बिल्कुल, सुनिए अब मैं आपको मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी बताओ, सुनिए सुनिए ना मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, नहीं 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 कोई 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 मंदिर नहीं तोड़ा गया, झूठ बात है, ठीक है कोई मंदिर नहीं तोड़े, ठीक है बताइए ज्ञान वापी का मतलब क्या है दानिश कुरैशी जी, ज्ञान वापी का मतलब क्या है आपको बताता हूँ, बताओ ना ज्ञान वापी का मतलब क्या है दानिश जी बताइए, सलाद होती आती में आप जाके पढ़ लीजिएगा, सुनिए अब आगे सुनिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से इन्फ्लुएंस होता है, सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मामले में क्या कहा, वहीं पे भी तो एक अधिकारी था, जिस तरह से लाल आंख दिखाई है भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर, जिस तरह से कब्जा किया है, संविधान की हत्या वाले शब्द जैसे इस्तेमाल किए गए, यही चीजें हम बार बार कह रहे हैं कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, हो सकता है आपको अगर ज्यादा मोहब्बत है तो मैं ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उनको इतना ज्यादा वो है तो वो यहां से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का कोई और नया मुख्यमंत्री आ जाए और वो जाके पक्षकार बन जाए या भजन कीर्तन में लग जाए, लेकिन आप इस पद पर बैठकर जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, अवमानना कर रहे हैं अदालत की, ये नाकाबिले बर्दाश्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे दानिश कुरैशी जी आपके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तो वकील है ना, अगर माननीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट किया किसी भी कोर्ट किया अवमानना किया तो जो पिटीशन डाल दे उनके खिलाफ, क्या दिक्कत है? तो सुनिए सुनिए तो नहीं मुख्यमंत्री की कोई मॉरल वैल्यू नहीं है, आपके आपके ओथ की कोई वैल्यू नहीं है, आप उसका खंडन करते रहेंगे ये जारी रहेगा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हम कुछ भी गैर कानूनी करते रहे, हम चंडीगढ़ में कब्जा कर रहे हैं तब भी आप अरे चंडीगढ़ में भी इनकम एयर जाएगा भाई दानिश कुरैशी जी, आप भी जानते हैं ये बात, ये भी जानते हैं चंडीगढ़ में भी इनकम एयर जाएगा, जो गलती करेगी सुप्रीम कोर्ट ठीक करेगी उसको, लेकिन जो गलतियां सदियों पहले हो गई दानिश कुरैशी जी उनको आपको भी तो ठीक करना चाहिए। नहीं नहीं हाँ क्या कुछ भी कुछ गलती नहीं, 1947 से संविधान लागू है और तब से लेकर आज तक किसी गलती का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, किसी को नहीं दिया जाएगा। दानिश कुरैशी गजब बात करते हैं, औरंगजेब ने मस्जिदें नहीं तोड़ी थी, वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाए तो आप रोक लेते, तब आप रोक लेते, 1947 के बाद कुछ नहीं तोड़ा जाएगा, सिर्फ बाबरी मस्जिद तोड़ी भारतीय जनता पार्टी ने और किसी ने आज तक कुछ नहीं तोड़ा। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी अवमानना तो कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, लेकिन उनके खिलाफ कोर्ट नहीं जाएंगे दानिश कुरैशी जी, ऐसा क्यों भाई? नहीं नहीं पहली बात तो कोई अवमानना नहीं की है, और अगर अवमानना की होती तो निश्चित तौर पर दानिश कुरैशी अपने काबिल अधिवक्ताओं को लेकर के निश्चित तौर पर कोर्ट में पहुंच जाते, ये जानते हैं कि कोई अवमानना नहीं हुई है, हर व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के तौर पर मुख्यमंत्री को भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अधिकार है, हर व्यक्ति की अपनी भावनाएं हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है और इसी भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(1) के तहत अभिव्यक्ति का की स्वतंत्रता का अधिकार तो उनका भी है और उन्हें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। मैं दानिश कुरैशी जी को स्पष्ट तौर पर कहूंगा, देखिए आंखें मूंदने से अंधेरा नहीं हो जाता है, दस्तावेजी साक्ष्य है और फिर इन सारी बातों के बाद आप तो कोर्ट में है ना, वकील सारी दलील रख रहे हैं ना, तर्क और साक्ष्य सामने आ रहे हैं ना, एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है ना, एएसआई की रिपोर्ट के बाद भी आप आंखें मूंदने का प्रयास करेंगे? कौन सी एजेंसी आपको पसंद है जिस एजेंसी से आप जांच कराना चाहते हैं, कौन सी इतिहास की पाठ्य पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं? सच को स्वीकार कर लेंगे तो बेहतर होगा, वरना कोर्ट तो निर्णय देने का काम करेगी ही और हमें पूरा विश्वास है कोर्ट पर, देश की अदालतों पर। हाँ दानिश कुरैशी का विश्वास नहीं हो सकता है, इसलिए ये घबराए हुए हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं, हमें पूरा विश्वास है अपने प्रभु पर भी, अपने साक्ष्यों पर भी, देश की न्यायपालिका पर भी। हम इस बात को स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, आप कह रहे हैं अवमानना की है, अगर योगी आदित्यनाथ जी कोई जोर दबाव के आधार पर प्रशासनिक निर्देश देकर के अगर कोई डिमोलिशन करने का काम कर देते, वहां पर मस्जिद को नुकसान पहुंचा देने का काम करते, तो ये कहते कि अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सरकार कोई जोर दबाव नहीं दे रही है, लेकिन कोर्ट के भीतर अगर कोई अपने अधिकारों के लिए गया है और अगर कोर्ट कोई निर्देश देती है सरकार को, तो निश्चित तौर पर कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सरकार करने का काम करेगी। ठीक है, इनका एक सवाल होता है कि मुसलमानों को डराया जा रहा है, अगला सवाल मेरा ये होगा, लेकिन दानिश कुरैशी जी सांच को आंच नहीं, अगर फैक्ट आपके साथ है तो आप घबरा क्यों रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी क्यों बोलते हैं कि हमारे मस्जिदों से चादर खींच ली जाएगी?
नहीं बिल्कुल देखिए सांच को आज क्या वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब जब सांच में आप आग लगाने की कोशिश करेंगे तो फिर ये परेशानियां तो बढ़ेगी ना। दिक्कत तो यही है ना कि प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं कि अगले दिन अदालत में मामला चलने वाला है और अगले दिन रात को वो इस तरीके का स्टेटमेंट करते हैं। हम इन्हीं की तो बात कर रहे हैं ना कि जो आपने जो ओथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पर, जो 25 करोड़ आबादी जो है पूरे प्रदेश की, उसकी जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए थी। उसके बजाय जब आप व्यक्तिगत बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप चीजों को जो है बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो ओथ आपने ले रखी थी आपने मुख्यमंत्री के तौर ओथ पर, में क्या बोलते राजेश भाई आज थोड़ा गड़बड़ा रहे हैं। ओथ में क्या बोलते बताइए, क्या चीज नहीं लाना है पब्लिक के नॉलेज में? तो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के से हम सख्त मुखालिफ हैं, चाहे आज इसकी बात कर रहे हो ज्ञान व्यापी की, चाहे बाबरी मस्जिद की हो। आप मुझे बताइए बाबरी मस्जिद में क्या कहा था अदालत ने कि भाई जो गुनहगार हैं उन्होंने गैर कानूनी तरीके से ढाया गया, फिर भी तो ये आज ये कह रहे हैं। चलिए चलिए बताइए कि हमने कोई मस्जिद या मंदिर ढाने की कोशिश की दीपक भाई? नहीं की। अरे ढा के चले गए ना 500 साल, 1000 साल से ढाई रहे हैं भाई, 1000 साल से ढाई रहे हैं। सॉरी, जिन लोगों ने आप लोगों को कन्वर्ट कराया हिंदू से मुसलमान में, वो लोग 1000 साल से मंदिर गिरा ही रहे हैं। दानिश कुरैशी जी, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुतुब मीनार के सामने लिखा हुआ है कि 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया, ईसाई ने वो वोट हटा लिया है। ये ईसाई का वोट था वहां पर, और आप 90% मॉन्यूमेंट में जाएंगे यही वोट आपको मिलेंगे दानिश कुरैशी जी। तो आप 1000 साल से तोड़ ही रहे हैं, आप जिनका पक्ष ले रहे हैं वो 1000 साल से तोड़ ही रहे हैं। अच्छा सुनिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं। दरअसल ये जो चीजें हैं ना, ये इस्लाम के अंदर में इन चीजों की इजाजत ही नहीं है। अल्लाह एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए तब से लेकर आज तक इस्लाम की जो विशेषता है ये तमाम चीजें हैं। अब उसके अंदर में अगर किसी ने कोई, जैसे कि आज मैं आपको बात कह रहा हूं कि भाई गैर कानूनी तरीके से जो कार्रवाई चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये तारीख में तो लिखा ही जाएगा ना। तो जो गैर कानूनी तरीके से जो भी काम किए गए हैं, गैर कानूनी तरीके से तोड़ के चले गए भाई। सुनिए, अरे दीपक भाई सुनिए, 1000 साल से टूटे ना मंदिर, बौद्ध मंदिर टूटे, जैन मंदिर टूटे, क्या नहीं टूटा है भारत में? और कौन लूट के ले गया भारत को बताइए ना। अच्छा सुनो, पहले मुसलमान आए उसके बाद क्रिश्चियन आए। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आपका जवाब दूं। सवाल यहाँ ये क्या है, यह है कि 1947 से लेकर आज तक किसी के घर का कांच भी नहीं टूटा धर्म के आधार पर। अरे क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या बात कह रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं दानिश कुरैशी। जिस इलाके में रहते हैं 1947 के बाद से वो सब संवेदनशील बन गए। मुझे बताइए, मुसलमान जिन इलाकों में होते हैं वही संवेदनशील क्यों होते हैं दानिश भाई? मुसलमान जिन इलाकों में रहते हैं देश में वही संवेदनशील क्यों होते हैं बताइए? क्यों होते हैं संवेदनशील? आज दानिश कुरैशी जवाब देंगे। सुनिए, देश में जब से संविधान लागू हुआ तब से कोई किसी को गैर कानूनी तरीके से कोई कार्रवाई करने की सत्ता नहीं है, ये बिल्कुल हमारे यहाँ का कानून है। उसके बावजूद भी देश की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद सुरक्षित रहेगी, हमारे जिम्मे है, और उसको तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या ये काबिले कबूल काम था बताइए? जवाब दे दीजिए राकेश त्रिपाठी जी, क्या बाबरी मस्जिद तोड़ के आपने सही किया? और ये भी बताइए, अब आखिरी मौका होगा दोनों का, एक एक इस तरफ, तो मुझे ये भी बताइए कि क्या आप मुसलमानों को डरा रहे हैं? योगी जी का ये बयान मुसलमानों को डराने वाला नहीं है? दानिश भाई सही सवाल पूछा ना इनसे। देखिए दीपक जी, एक बात स्पष्ट कर दूं, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, बाबरी मस्जिद नाम की कोई मस्जिद थी नहीं, ये विवादित ढांचा था, और इस्लामिक कानून इस बात को जानते हैं कि किसी ऐसी जगह पर मस्जिद नहीं बन सकती है, वहां पर नमाज कबूल नहीं हो सकती है जो विवादित हो, जहां कहीं पर भी किसी प्रकार की विवाद हो, इस बात को दानिश भाई आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं फिर दोहरा रहा हूं, कुछ लोग जानबूझकर के जिद पूर्वक बाबर को, औरंगजेब को, अकबर को अपना पूर्वज अपना परदादा मानने के लिए बार बार जिद कर रहे हैं। देश का मुसलमान बाबर को विदेशी आक्रांता मानता है, औरंगजेब को विदेशी आक्रांता मानता है, लेकिन ये अपना पूर्वज अपना पुरखा उनको मानने के लिए बारम्बार तैयार है। देश में 3 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, देश की मस्जिदों को लेकर के कोई आपत्ति नहीं है। और जब हम आप दीपक जी बात कर रहे हैं ना, तब भी देश में कहीं ना कहीं कोई नई मस्जिद ताबीर हो रही होगी, उस मस्जिद को लेकर के भी कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया की 7वीं बड़ी मस्जिद लखनऊ में है, जहां योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, उसको लेकर के कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन अगर कहीं कोई धर्मस्थल तोड़ा गया है, कोई मंदिर तोड़ा गया है और इसको लेकर के अगर कोई बहुसंख्यक समाज का व्यक्ति अपना अनुतोष, अपनी याचिका, अपनी प्रार्थना कोर्ट के सामने लेकर के जा रहा है तो भी उस पर आपको आपत्ति होती है? साक्ष्य देकर के, अपनी दलील लेकर के अगर कोई अपेक्षा कर रहा है कि हमारा धर्मस्थल हमको सौंप दो, फिर भी आपका दिल पसीज नहीं रहा है? आप किस गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं? आप किस सामंजस्य की बात करते हैं? सच यह है कि आपने जिद ठान रखी है और यह जिद देश के आम मुसलमानों की नहीं है। यह जिद केवल मुसलमानों के ठेकेदार, रहनुमा बनने के प्रयास करने वाले चंद राजनीतिक लोगों की है, कुछ कठपुतलाओं की है, कुछ मौलवी मुफ्तियों की है, जो चाहते हैं कि किस तरह से दुकानदारी चलती रहे, भाजपा के खिलाफ भड़काते रहो, लोगों को गोलबंद किए रहो और अपनी दुकानदारी चलाते रहो। लेकिन ये दुकानें चलने वाली नहीं है। देश विकास की राजनीति के साथ जुड़ चुका है और देश का आम मुसलमान इस बात को समझ रहा है। ठीक है, आखिरी 30 सेकंड सीधा जवाब चाहूंगा। हजार साल में कितने हिंदू मंदिर तोड़े गए, बताइए। देखिए, हजार सेकंड भारत में संविधान लागू होने के बाद हजार सेकंड भी एक बाबरी मस्जिद छोड़ के कोई धार्मिक स्थान जबरन दूसरे किसी धर्म के वर्ग ने नहीं तोड़ा, ये बिल्कुल यूनिवर्सल फैक्ट है। और दूसरे नंबर की बात, राकेश त्रिपाठी इतने लर्नेड होने के बावजूद भी बार बार सुप्रीम कोर्ट के नाम से वो गलत कह रहे हैं। आप पूरा मामला जो था वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के बीच की पूरी मैटर थी, जिसको वो सरे से ये खारिज कर रहे हैं कि वहां कुछ था ही नहीं। तो सबसे बड़ा तो झूठ ही है। मुझे लगता है कि शायद उनकी आस्था होगी, ठीक है, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब सच्चाइयों को आप नकारते हैं तो फिर आप वही काम कर रहे हैं जो योगी जी पार्लियामेंट उसके असेंबली के फ्लोर पे कर रहे हैं और आप बैठ के टीवी पे। दानिश कुरैशी जी, आप भी तो नहीं स्वीकार रहे कि हजार साल में मंदिर तोड़े गए? आप तो स्वीकार ही नहीं रहे कि हजार साल में सैकड़ों हजारों मंदिर तोड़े गए, मंदिरों को लूट कर ले जाया गया। मान लीजिए ना, मान लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट जिलों में तफर का पैदा करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं, मुझे लगता है ये देश के लिए अच्छा नहीं है। राकेश जी, अभी भी वक्त है, आप लौट जाइए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, कंक्लूडिंग 20 सेकंड का रिमार्क आपका। देश के लोगों को एक बनाइए, ये विभाजन की, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। हजार साल में जो मंदिर तोड़े गए उसको गले से क्यों लगा के बैठे हमारे दानिश भाई? नहीं देंगे जवाब राकेश त्रिपाठी जी। 43 के बाद एक भी एक दिन ये जवाब दे देंगे, ये जवाब दे देंगे तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी ना। ये जो दुकानदारी चलाते हैं वो दुकानदारी बंद हो जाएगी। सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात के पक्षधर हमेशा थी, है और रहेगी कि लोक आस्था का, लोक भावना का सम्मान किया जाना चाहिए। भारत के संवैधानिक जो अधिकार है किसी भी नागरिक के, उस संवैधानिक अधिकार के तहत अगर कोर्ट में कोई जाता है और कोर्ट से कोई अनुतोष प्राप्त करता है, कोर्ट अगर गुण दोष के परीक्षण के आधार पर निर्णय करती है, तो निश्चित तौर पर ये लागू कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। हम इस बात के हमेशा पक्षधर थे कि किसी की लोक आस्था को चोट नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। ये बात उन पक्षों को भी समझनी चाहिए जिन्होंने आस्था को चोट पहुंचा करके इतने लंबे समय तक भावनाओं को दुखी करने का काम किया है। उनके लिए अवसर है अब भी इन बातों को समझ करके, अगर वो कोई रास्ता तलाश लेंगे इस बात का कि आगे कोई विवाद न खड़ा होना पड़े, कोई कोर्ट ना जाना पड़े, इस बात के लिए कोर्ट का समय बर्बाद ना करना पड़े तो बेहतर होगा। लेकिन अगर नहीं मानते हैं तो कोर्ट से निर्णय होगा और कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सब स्वीकार करेंगे। प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मंशा थी कि सिर्फ अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन का विकास ही अवरुद्ध किया गया। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि ये काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान में काशी मथुरा की तरफ भी इशारा कर दिया। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, वे हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। तो ये थी खबरें 7 बजे की, कल फिर होगी बात पते की। तब तक के लिए नमस्कार। जी न्यूज़।